हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 2.3। 2.2 तक हमारी हो चुकी है, 2.3 में देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। और जो आपका रिजल्ट आता है, मीन्स जो आपके पास वैल्यू आते हैं, उसको चेक करना है कि वो सेटिस्फाई करती है या नहीं। देखते हैं कैसे। ये दे रखा है आपको 3x = 2x + 18। ये आपको इक्वेशन दी हुई है 3x = 2x + 18। अब देखो, x को हम एक साइड करते हैं, अदर टर्म्स को हम एक साइड करेंगे। तो इधर 3x है, इधर 2x है और 18 है। 18 को यहीं रख लेंगे, 2x को उधर लेके जाएंगे। ये प्लस था, ये क्या आ जाएगा, माइनस। 3x - 2x = में क्या रहेगा, 18। 3x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। इज इक्वल टू में क्या है आपके पास, 18। x की वैल्यू मिल गई हमें 18। अब हमें क्या चेक करना है कि ये इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है या नहीं। ये इक्वेशन करो, 3 × x की जगह क्या रख दिया, 18। इज इक्वल टू 2x की जगह क्या रखा, 18 + 18। 18 × 3 = 54। 2 = 18 की मल्टीप्लाई 36 + 18 करेंगे क्या आएगा, 54। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो क्या बोल देंगे, रिजल्ट इज ट्रू, कि जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5t - 3 = 3t - 5। अब t के टर्म को एक साइड करेंगे, अदर टर्म्स को अपोजिट साइड। 5t एज इट इज रख लिया, इधर प्लस 3t था, इसको इधर लेके आए माइनस 3t हो गया। इधर क्या है, -5। इधर -3 था, इसको उधर लेके गए, फिर क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। 5t में से 3t घटा देंगे, क्या आएगा, 2t। -5 + 3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। t = -2, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल। t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, 5 × t की जगह क्या किया, -1 - 3 मल्टीप्लाई 3। टी की जगह क्या है, -1 × -5। 5 की और -1 की मल्टीप्लाई -5 - 3 = -3 - 5। -5 - 3 क्या आ जाएगा, -8। और -3 - 5 भी क्या आ जाएगा, -8। दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x। अब 5 + 3x है, x की टर्म को एक साइड करना है, तो 5x एज इट इज प्लस 3x को इधर लेके आए, -3x हो गया। इज इक्वल टू 5 को एज इट इज रखा, ये प्लस का 9 है, इसको इधर ले आएंगे, -9 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएगा, क्या आएगा, 2x। इज इक्वल टू 5 - 9 क्या आ जाएगा, -4। एक्स इज इक्वल टू -4 / 2, 2 × 4 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब चेक करेंगे इसके अंदर, 5x की जगह पुट कर दिया हमने -2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 × -2, 5 × 2 = 10, -10 आ जाएगा और +9। इधर क्या आ जाएगा, 5 × 3 = -6 आ जाएगा। -10 है, +9 है, माइनस के ज्यादा है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। और डिफरेंस कितना है इनका, 1। इसी तरह यहां से क्या आ जाएगा, -1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 4z + 3 = 6 + 2z। 4z को एज इट इज रखेंगे, +2z को इधर लेके आएंगे, -2z इज इक्वल टू 6। ये +3 था, इधर लेके आएंगे, -3 आ जाएगा। 4z - 2z क्या आएगा, 2z इज इक्वल टू 6 - 3 क्या आएगा, 3। z इज इक्वल टू 3, इधर 2 था, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 3/2। अब रिजल्ट चेक करेंगे, 4z की जगह क्या आएगा, 3/2 + 3 आ जाएगा हमारे पास। इज इक्वल टू 6 + 2 z की जगह 3/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 + 3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 3 = 9, इधर भी 6 + 3 = 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। 2x को इधर रख लिया, -x को इधर लेके आएंगे, +x हो जाएगा। इज इक्वल टू 14 - 1 को उधर लेके गए, +1। 2x + x क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 14 + 1 = 15। 3x को x रख लिया, 3 को उधर लेके गए, 15/3, 3 × 5 = 15। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब x की वैल्यू अप्लाई करेंगे टू चेक,
टू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 2 5 जा 10, -1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 क्या आएगा 9, और 10 में से 1 जाएगा वो भी क्या आएगा 9, दोनों साइड इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 8x+4 इज इक्वल टू 3 × x-1+7। अब इसको हम एज इट इज रखेंगे, पहले 3 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3x और 3 1 जा 3 और प्लस 7, 8x+3x को इधर लेके आएंगे क्या आएगा -3x इज इक्वल टू 7 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, इधर प्लस 4 है इधर आएगा -4 हो जाएगा, 8x में से 3x जाएगा 5x, 4 में से 4 जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0 इधर से जाएगा डिवाइड में 0/5 और 0/5 भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0। टू चेक, अब हम चेक करेंगे इसके अंदर, 8x की जगह 0 पुट कर दिया +4 इज इक्वल टू 3x की जगह 0 -1 +7, 8 और 0 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 0, +4 इज इक्वल टू 3 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई -3, 3 की सॉरी +7, अब 3 सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाई था ना, इसके साथ नहीं है, 4 एज इट इज आ जाएगा और 7 में से 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा ये भी 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5x+10। अब देखो इधर ये डिवाइड में है, डिवाइड से उधर जाएगा किस में आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा ओनली 4 बचेगा, 4 किसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ जाएगा 4x+40, इधर आ जाएगा 5x, 4x को इधर लेके आएंगे 5x-4x इज इक्वल टू में क्या है 40, 5x में से 4x जाएगा क्या आएगा x इज इक्वल टू 40। टू चेक, अब हम रिजल्ट को चेक करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 और 4/5, x की वैल्यू 40+10, 40 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 40+10 50, 5 से कैंसिल कर दिया 5 10 जा 50 और 10 4 जा 40, इधर भी 40 इधर भी 40 दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3+1 इज इक्वल टू 7x/15+3, 2x/3 अब इधर प्लस है ये इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा 7x/15 इज इक्वल टू 3, इधर प्लस था इधर आ जाएगा माइनस, अब दोनों में से एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x, -15 1 जा और 1 की 7x से करेंगे 7x इज इक्वल टू 3 -1 2, 10x-7x क्या आएगा 3x/5 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3/15 को क्या लिखेंगे 15/3, क्योंकि ये डिवाइड था ये मल्टीप्लाई हो गई, जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 10। अब इस वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे कैसे, 2x की जगह क्या रखा 10/3 +1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x की जगह 10/15+3, 10 2 जा 20/3+1 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14/3+3, एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 20 1 जा 20 आ जाएगा और 1 3 जा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 20+3 23/3, इधर क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 जा 3 तो 14 1 जा 14, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 14+9 क्या आ जाएगा 23/3, दोनों साइड हमारे पास क्या आ गई इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 2y+5/3 इज इक्वल टू 26/3-y, आपको इक्वेशन दी हुई है कैसे करेंगे, 2y इधर रहेगा माइनस वाई को इधर लेके आएंगे प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 26/3, प्लस था इधर आया -5/3, 2y+y क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम क्या आया 3, तो क्या आ जाएगा 26-5, 26 में से 5 जाएगा 21 और डिवाइड में कौन है 3, 3 से कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 7, यहां से हमारे पास क्या आया 7, फिर इधर से हमारे पास 3 है, इधर से 3 लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू 7/3। टू चेक, अब हम चेक करेंगे 2 × y की जगह 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3,
यहाँ क्या आ जाएगा, 7 2 जहाँ 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, और 26 माइनस 7, क्योंकि देखो दोनों का बेस हमारे पास सेम है, बेस सेम है तो पावर दोनों की ये भी ऐड हो जाएगी। अगर हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी ऐड है या सब्ट्रैक्ट है साइन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो 14 प्लस 5 कितना आ जाएगा 19, और बाई में क्या है 3, इधर से इसमें से माइनस करेंगे भी क्या आ जाएगा 19/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, 3m एज इट इज रखा, 5m इधर प्लस है इधर लेके आएंगे माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5, 3m माइनस 5m क्या आएगा माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5, माइनस से माइनस कैंसल, m इज इक्वल टू इधर 8/5 था इधर से 2 लेके आएंगे 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। अब वैल्यू को पुट करके देखेंगे टू चेक, 3 मल्टीप्लाई एम की जगह हम क्या रखेंगे 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू एम की जगह क्या रखा 4/5 माइनस 8/5, 3 4 जा 12/5 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 4/1 माइनस 8/5, एलसीएम दोनों का क्या आया 5 5 4 जा 20 माइनस 8 1 जा 8, 20 में से 8 जाएगा क्या आ जाएगा 12/5, दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो गई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। ओके, थैंक यू।